में नसीहत बन गई। यही खिताबत जब किसी मुजाहिद से मुलाकात करती है तो नारे इनकलाब बन जाती है। यही खिताबत जब किसी सियासी रहबर की दहलीज पे दस्तक देती है तो तराने सियासत बन जाती है। गर्जे की हर रूप, हर रंग, हर पैकर में खिताबत ने इंसानी जिंदगियों पर गहरे नकोश व असरात छोड़े हैं, क्योंकि खिताबत में तासीर है, असर अंगेजी है, सहर आफरीनी है। क्या खूब कहा है किसी कहने वाले ने कि खिताबत वज़्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेजा, कभी खंजर, कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफरे तैयार बन जाए। आई हजरात, पहला खिताब पेश करने के लिए उसका मकाम ये नहीं था कि कुरान मुकद्दस की तिलावत के बाद उसका बयान हो, उसका मकाम और उसका मर्तबा तो ये है कि उसका मकाम जब ये पिंडाल यहाँ से वहां तक बिल्कुल सर ही सर नजर आए, उस वक्त उसको जहमत दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा उसकी जात बाबरकत से लोग फैजियाब हो सकें। लेकिन जिस शख्सियत को मैं खिताब के लिए पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, उस अजीमुल मर्तबा शख्सियत की थोड़ी तबीयत नासाज है। इस हवाले से हजरत को सबसे पहला खिताब पेश करने के लिए ये कहते हुए मैं जहमत देना चाहता हूँ कि कभी भी जर्फ वाले जर्फ बिखराया नहीं करते, जो तूफाने उससे खेले हों वो घबराया नहीं करते। बड़े वो हैं जिन्हें एहसास हो अपनी हकीकत का, कोई रस्मन बड़ा कह दे तो हो जाए नहीं करते। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मुफक्किर इस्लाम, रहबरे कौम मिल्लत, दानिश्वराने कौम के सरदार हजरत कारी सैयद प्रोफेसर नोमान साहब दामत बरकातुहुम लालिया हजरत से नायब सदर जमीयतुल उलमा उत्तर प्रदेश हजरत से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि हजरत तशरीफ लाएं और हम तमाम सामईन को अपने बयान हसना से मुस्तफीज फरमाएं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. وقال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جزا الله أن محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. میرے انتہائی محترم بزرگو، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیو، آج کا یہ آپ کا اجلاس اللہ تعالیٰ اپنی کامیابیوں کے اوپر اس کو پہنچا دے، اور جس مقصد کے تحت اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے اور جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی اپنی کوشش اور کاوش کری ہے، اللہ تعالیٰ تمام کی تمام تر کاوشوں کو قبولے سے آراستہ فرما کر اور پورے عالم کی ہدایت کے راستوں کو کھول دے. میرے سامنے ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانان کا بیٹھا ہے اور کچھ بچے بھی ہیں. میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور خاص طور سے
नौजवान जो हैं हमारे, जो इस्लाम के सच्चे सिपाही हैं, और अगर नहीं हैं तो आने वाले वक्त के अंदर उनको इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, जब इस्लाम दुनिया के अंदर आया तो पूरी दुनिया एक तरफ तो जिलालत और गुमराही के अंदर मुब्तिला थी, इंसानियत को खो चुकी थी, औरतों का समाज में और माशरे में कोई मुकाम नहीं था, यतीमों की, बेकसों की, माजूरों और मजबूरों को कोई मदद नहीं करता था, बल्कि जितनी भी ताकत और कुव्वत वाले लोग होते थे वो गरीबों की, माजूरों और मजबूरों की मजबूरी से और गुरबत से फायदा उठाकर अपनी दुनिया को बनाने की कोशिश करते थे। अगर किसी को मालूम हो जाता था कि कोई औरत बेवा हो गई और उसके शौहर का इंतकाल हो गया तो ये ताकत वाले, कुव्वत वाले पहुंचते थे और जबरन अपने घर के अंदर उसको लेकर चले जाते थे। अगर किसी घर के अंदर बच्ची जन्म लेती थी तो उस बच्ची को जिंदा दफन कर देना अपने लिए बाइस फख्र समझते थे। अगर घर के अंदर औलाद के अंदर अगर बच्चा ना हुआ, बच्ची हो गई, तो न सिर्फ ये कि बच्ची को मदफून जिंदा करते थे बल्कि वो औरत जिसके जरिए से उसका वजूद दुनिया में हुआ है उसको भी नापाक और मनहूस समझते थे। अल्लाह ने कायनात में कुरान मुकद्दस के जरिए से ऐलान फरमाया कि दुनिया में चाहे कितनी ताकत वाले, जितने कुव्वत वाले, दुनिया में चाहे कितनी हुकूमत वाले और जितनी सल्तनत वाले हों, धन और दौलत वाले हों, मालो मता वाले हों, लेकिन उनके इख्तियार में नहीं है कि वो दुनिया में किसी को वजूद दे सके। ये ताकत तो अल्लाह ने अपने पास रखी है और कुरान ने ऐलान किया यह बोली मई ईशा इनासा, अल्लाह जिसको चाहता है बेटी देता है, वह बोली मई ईशा उदकूर, अल्लाह जिसको चाहता है बेटा देता है, और यूसुफ भी जुहम दुकरान व इनासा, अल्लाह जिसको चाहता है बेटा और बेटियां दोनों देता है, वह जो अलू मई ईशा हुआ कीमा, और अल्लाह जिसको चाहता है बांझ रखता है। न ताकत मर्द की है कि वो औलाद को पैदा कर ले, न ताकत औरत की है कि वो बेटे को जन्म दे दे, ये ताकत तो अल्लाह की है कि अगर वो चाहे तो फिरौन जैसे अजीमुल मर्तबत और बड़ा ऐलान करने वाला बादशाह जो अपने आप के अंदर खुद ऐलान करता था अना रब्बुकुम आला के नाऊज़ बिल्ला, अगर कोई तुम्हारा सबसे बड़ा रब है तो फिरौन अपने बारे में कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन अल्लाह ने फैसला ये किया कि तेरी ताकत और कुव्वत के बाद अगर हम ये फैसला न करें कि तुम्हें औलाद मिले तो तू भी औलाद पैदा करने पर कादिर नहीं है, तू मौत और हयात का मालिक नहीं बन सकता है, तू जिंदगी का और मौत का मालिक नहीं बन सकता है, ये कुदरत कामिला अगर किसी की ताकत है तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। और यही वजह थी दोस्तों, यही वजह थे मेरे नौजवानों कि फिरौन अपनी ताकत के बाद जब अपनी औलाद को पैदा न कर सका तो किसी बताने वाले ने उसको बताया कि तेरी हुकूमत एक दिन मुतजलजल हो जाएगी, तेरी हुकूमत गिरा दी जाएगी और एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम मूसा होगा, वो बच्चा तेरी हुकूमत को खत्म ही नहीं करेगा बल्कि तेरी भी खात्मे का जरिया वही बनेगा। फिरौन ने दसियों हजार बच्चों को कत्ल करा दिया और ये सोचकर कत्ल कराया कि अगर बच्चा पैदा हुआ कहीं बच्चा वो मूसा ही तो नहीं है, सारे बच्चों को कत्ल कराने लगा, एक दो नहीं दसियों हजार जब बच्चे शहीद कर दिए गए और मार दिए गए तो किसी ने कहा अरे नादान, अगर सारे इंसानों को कत्ल कर देगा तो हुकूमत किसके सरों पर करेगा, जब सारे खत्म ही हो जाएंगे तो हुकूमत किसके सर पर करेगा, जब सब मर जाएंगे और मौत के घाट उतार लिए जाएंगे तो ये जाहो जलाल, ये नक्शा और रोब और दबदबा, ये हुकूमत और सल्तनत जिसको दिखाना चाहता है किसके ऊपर करेगा। अल्लाह ने फैसला फरमाया उसकी गैबी ताकत को समझो, जब वो किसी चीज के करने पर आता है तो कहता है इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून, किसी चीज के करने पर आ कहता हो जा वो हो जाती है। जरा अपने ऊपर तसव्वुर करें, आज से 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल या 10 हो, 15 हो, 20 साल पहले मैं और आप कहां थे, क्या मेरा और आपका कोई एड्रेस, मेरा और आपका कोई पता, मेरा और आपका कोई खानदान, मेरा आपका कोई शहर और मोहल्ला, मेरे और आपकी कोई बस्ती और मुल्क था, नहीं था। अल्लाह ने अपने हुक्म से इस दुनिया के अंदर पैदा कर दिया।
और जब जाने का वक्त होगा दोस्तों, सारे दोस्त रिश्तेदार अजीज वकारी बैठे रहेंगे। अल्लाह का अगर फैसला आ गया, इन अजर अल्लाह इदा जा ला युअख्खर, जब मौत का वक्त आता है तो रत्ती इधर से उधर हो नहीं सकती। हम चाहें बचना और हम चाहें जिंदा रहना तो हम नहीं रह सकते, और जब मौत का वक्त नहीं आता है तमाम तर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जहां हुकूमतों के जोर लग जाते हैं और अल्लाह ने फैसला कर लिया कि जिंदा रहेगा तो दुनिया की ताकत मौत नहीं दे सकती। मूसा अलैहिस्सलाम को खत्म करने के लिए सारा रागा लापा गया, सारे तरीके से बच्चों को मारा गया, लेकिन अल्लाह ने फैसला किया, ए फिरौन, अगर हम मूसा को जिंदा रखना चाहें तो तेरी ताकत और कुव्वत, तेरी हुकूमत और सल्तनत मूसा का बाल बेका नहीं कर सकती। और निजाम कैसे चलाया, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया और माँ को हुक्म दिया कि एक बॉक्स के अंदर इस बच्चे को बंद कर दो, एयर टाइट बॉक्स, जिसके अंदर सांस जाने की गुंजाइश ना हो, जिसके अंदर ऑक्सीजन जाने की गुंजाइश ना हो, जिसके अंदर हवा जाने की गुंजाइश ना हो, जिसके अंदर रोशनी पहने की पहुंचने की गुंजाइश ना हो, ऐसे बॉक्स के अंदर बंद करो और कहा जाओ उस दरिया के अंदर डाल दो जिस दरिया के ऊपर सैर करने सुबह शाम फिरौन बैठा करता है। माँ का दिल कांप उठा, माँ की ममता बेपनाह बेकरार हो गई, माँ के ममता जोश में आई और कहा ए मेरे आका, जिससे बचाने के लिए मूसा को तू बंद करा रहा है उसी बॉक्स को मुझे डालने का हुक्म दे रहा है कि उस दरिया में डालो जहां पर फिरौन बैठता है। तो मौत के सारे अस्बाब पैदा हो गए, अल्लाह ने फरमाया न घबरा तू, हम इस बच्चे को भी बचाएंगे और तुझे भी उस वक्त जिंदा रखेंगे जब तक इसको मुकाम आली न दे दे। फिरौन बैठा सैर कर रहा है, सामने से एक बॉक्स गुजरा, बीवी आसिया बैठी हुई है, कहा दौड़ो दौड़ो इस बॉक्स को रोको, मलिका वक्त है, बादशाह वक्त की बीवी है, हुक्म की इताअत सब करते हैं, कहा दौड़ो इस बॉक्स को पकड़ लो। बॉक्स ले आया गया, बॉक्स लाकर खोला गया उसे तो देखा एक हसीन और जमील बच्चा उस बॉक्स के अंदर है। फिरौन चीख उठा यही मूसा है। बीवी आसिया ने कहा शर्म नहीं आती, 10,000 बच्चों को मूसा के चक्कर में मार चुके हो, ये मूसा नहीं है कोई और है, मेरी औलाद नहीं है, तुम्हारी औलाद नहीं है, मेरी हुकूमत के बाद मेरे और आपके बाद वारिस कौन बनेगा, लिहाजा मैं इस बच्चे की परवरिश करना चाहती हूँ। अल्लाह जहनों का भी मालिक है, अल्लाह दिल का भी मालिक है। फिरौन की हुकूमत पूरी दुनिया पे चल रही है लेकिन फिरौन पर अल्लाह दिखा रहा है एक औरत आसिया की हुकूमत हम चलवाएंगे। और परवेश बच्चे की शुरू हुई, थोड़े से जरा बड़े हुए, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की गोद में बैठे हैं, फिरौन बड़े जाहो जलाल के साथ, बड़े रोब और दबदबे के साथ, बड़े थमथराक के साथ बैठा है और अचानक हजरत मूसा ने बहुत मासूम से फिरौन की दाढ़ी को पकड़ के खींचा, फिरौन चीख उठा अरे हायरे मार डाला। बीवी ने याद दिलाया शर्म नहीं आती, बादशाह वक्त ऐलान करते हो अना रब्बुकुम आला और एक बच्चे के जरा से दाढ़ी के बाल पकड़ने से चीख उठते हो, क्या तुम जानती नहीं हो ये मूसा है जिसने मेरी दाढ़ी को पकड़ लिया, आम बच्चा अगर मेरी दाढ़ी को पकड़ता तो ये तकलीफ नहीं होती। आसिया ने फिर समझाया बुझाया कि नहीं बच्चा एक आम इंसानों का बच्चा है, जैसे इंसान है वैसे ही है, इसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन अल्लाह ने जब किसी को फैसला कर लिया कि चुनकर अपना रसूल नबी बनाएगा तो फैसला तो अल्लाह ताला का हो कर इनका इम्तिहान लो। इम्तिहान कैसे लिया जाएगा, का इम्तिहान लो, इनके सामने आग के अंगारे डालो
और सुर्ख और लाल पत्थर ला के डालो। अगर ये नबी होने वाले हैं तो पत्थरों पर हाथ जाएगा, और अगर आम इंसानों की तरह का बच्चा है तो आग के अंगारे को पकड़ेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? नबी होने वाले हैं। हाथ बढ़ा लाल की तरफ, फरिश्ता आया, मूसा नहीं, अगर आज तुमने इस लाल को पकड़ लिया तो फिर और उरूज के बाद जमीन पर जेर कर दिया जाएगा। अभी रुक जाओ, अभी आग को पकड़ लो। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने आग के अंगारे को पकड़ा, और जैसे ही पकड़ा जाहिरी तौर के ऊपर आग ने जला दिया। अल्लाह को कमाल दिखाना था कि अल्लाह ताला ने इस मूसा अलैहिस्सलाम के जले हुए हाथ के अंदर वो मुअज्जा अता फरमाया था कि अगर मुट्ठी को बंद करके और अपनी बगल में दबाकर अगर उसको जरा खोलते थे तो सूरज की ताब ना किसी ज्यादा रोशनी। अल्लाह ताला ने अता फरमाया, ये मुअज्जा दिखाया। किसने ताकत दी है, किसने कुव्वत दी? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को वहदहु ला शरीका ने। दुनिया की तमाम तर कायनात के लोग बैठे रहे, दुनिया की तमाम तर हुकूमतें बैठी रहे, फिरौन को बड़ा नाश था कि अगर जमीन पर सुई भी गिरेगी तो उसके गिरने की खनक मेरे कानों पर पहुंच जाएगी। अल्लाह ने फैसला फरमाया, नहीं, कानों की खनक नहीं, तुझे अगर यहाँ के ऊपर लाकर हम तेरे घर में मूसा की परवरिश करके दिखाएंगे और तुझे मजबूरन करना पड़ेगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश भी हुई, बुलाया गया, आया को बुलाया गया कि इस बच्चे की दूध पिलाने की जिम्मेदारी किसको दी जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। आई एक साहिबा, उन्होंने कहा कि हाँ मैं बताती हूँ, एक बहुत पाकीजा औरत है और मुझे यकीन है कि इनका ये दूध पी लेगा बच्चा। किसको बुलाया गया? कि मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा जान को बुलाओ। अब वो उसको दूध पिलाया उन्होंने, अब ये नहीं पहचाना कि मूसा का बेटा है, मूसा उनका बेटा ही नहीं पहचाना किसी ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने माँ की गोद में दोबारा वापस किया और ये बताया कि हम जो चाहे करना वही होगा, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। वमा तशाउना इल्ला इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। तुम्हारी चाहत कोई चाहत ही नहीं है, चाहत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, जो चाहे कर दे। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, हज्जाज इब्ने यूसुफ अपने जमाने का बड़ा जालिम बादशाह था, ईमान वाला, उसके कारनामे भी कुछ हैं, लेकिन बड़ा जालिम बादशाह था। बड़े बड़े ताबई को अपने जमाने के अंदर उसने मरवा दिया। एक ताबी हजरत सईद, उनको बुलाया और कहा मैं जो कहता हूं वो करो। हजरत सईद रहमतुल्लाह ने फरमाया मैं वो करूंगा जो अल्लाह कहता है, मैं वो करूंगा जो उसके रसूल कहता है। कर नहीं मानोगे तो मौत के घाट उतार देंगे। किससे डराया जाता है दुनिया में लोगों को? कि मौत के घाट उतार दें। और दोस्तों सहाबा किराम की जमात ने क्या जुमला कहा था, अगर मैं और आप इस जुमले को जहन के अंदर रखें जो हमारे अकाबिर हमारे बुजुर्गान दीन ने जुमला दिया कि मेरे साथ एक ऐसी जमात है जो मौत को ऐसे ही महबूब रखती है जैसे बड़े शराबी शराब को महबूब रखते हैं। मौत से उसको डराओ जिसको मौत से डर लगता है। यहाँ तो मौत को गले लगाने के लिए कायनात का एक एक ईमान वाला बच्चा तैयार हो। मौलाना हुसैन अल-मदनी रहमतुल्लाह अलैह 40,000 का मजमा है, इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी है, इस मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का अलम उठाया है। अंग्रेजों ने 40,000 का मजमा इकट्ठा किया और अंग्रेज ने मौलाना हुसैन अल-मदनी को बुलाकर कहा मौलाना तुमने हमारे खिलाफ फतवा दिया है? कहा दिया है। मौलाना ने खड़े होकर मजमे ऐलान किया, हाँ दिया है फतवा। तो कहा फतवा वापिस ले लो वरना तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर बैठे थे पड़ोस में, मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पांव को दबाया, हजरत आज अपना बयान बदल लीजिए, थोड़ी सी नरमी इख्तियार कर लीजिए। सैयदना हुसैन ने फरमाया अगर मैंने अपने बयान को बदल लिया तो मेरा ईमान बदल जाएगा। मेरे दिल के अंदर कुरान है, मेरी जुबान और मेरे दिल के अंदर ईमान है। जब तक हुसैन अहमद के मुंह में जुबान है ये फतवा जारी रखेगा कि अंग्रेजों की नौकरी हराम, अंग्रेजों की नौकरी हराम है। अंग्रेज जज ने उठाया और कहा जानते हो
इस फतवे की सजा क्या है? तो मौलाना हुसैन मदनी खड़े हो गए और अपने थैले से एक सफेद कपड़ा निकाल कर अवाम के बीच लहरा कर कहा, हाँ जानता हूँ कि इस फतवे का जवाब मौत की सजा है, लिहाजा मैं अपने साथ अपना कफन लेकर आया हूँ ताकि अगर मौत की सजा मुझे सुना दी जाए तो मेरे जिस पर अंग्रेजों का कपड़ा नहीं, मेरा अपना लाया हुआ कफन जो है वो मेरे ऊपर डाला जाए। दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। तुम समझते हो कि मौत के बाद जिंदगी को खत्म कर दोगे? मौत के बाद तो जिंदगी की शुरुआत होती है। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कहा, सईद को पकड़ के लाओ तो हम मौत के घाट उतारेंगे। का सरे खम तस्लीम तस्लीम है, मौत के घाट उतार दो। कोई जवाब नहीं है कि शरीयत मुतहर्रक के अंदर किसी चीज की कोई कमी मैं कर दूं। हज्जाज इब्ने यूसुफ छुड़ गया बादशाह के बाद का जवाब, और बादशाह को इस तरह कोई ललकार कर कह दे, हज्जाज इब्ने यूसुफ नाराज हो गया और नाराज होने के बाद कहा, हज़रत सईद से कैसे मरना चाहते हो, किस तरह मौत को इख्तियार करना चाहते हो? हज़रत सईद ने कुरान की आयत पढ़ी, वमा तशाउना इल्ला इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। तेरी और मेरी चाहत क्या है? चाहत तो अल्लाह की है, जैसे उसने मौत लिख दी होगी मौत वैसे ही आएगी, दुनिया की कोई ताकत उसके अलावा मौत हमको दे नहीं सकती। हज़रत सईद के इस जुमले को सुनकर हज्जाज इब्ने यूसुफ और नाराज हो गया, और नाराज होने के बाद कहा, इनका मुंह मशरिक की तरफ कर दो। हज़रत सईद ने कुरान की फिर आयत पढ़ी, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله। कमाल ये नहीं है तुम्हारा मुंह पश्चिम में हो या पूर्व में हो, कमाल ये है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर, उसकी वहदानियत के ऊपर, उसकी ताकत और कुव्वत के ऊपर, और यकीन जानो दुनिया का कोई आदमी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब मौला तुम्हारे साथ है। बहुत नाराज हुआ हज्जाज इब्ने यूसुफ, इनके चेहरे को पश्चिम की तरफ फेर दो, मगरिब की तरफ कर दो। जैसे चेहरे को पश्चिम की तरफ फेरा गया, फरमाया, इन्नी वज्जहतु वजहा लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ध हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। अरे मैंने अपने चेहरे को तमाम तरफ से काट कर सिर्फ वहदहु ला शरीका की तरफ कर लिया है। फिर हज्जाज इब्ने यूसुफ को गुस्सा आया, आसमान की तरफ मुख कर दो इनका। आसमान की तरफ मुंह किया गया, फरमाया, सब्बह लिल्लाहि मा बिस्समावाति वल अर्द, हर चीज जो आसमान और जमीन के अंदर है वो पाकी बयान करती है अल्लाह वहदहु ला शरीका की। कौधा दो इनको, मौत से पहले इनका मुंह जमीन की तरफ कर दो। सैयदना सईद रहमतुल्लाह अलैह के जब चेहरे अनवर को जमीन की तरफ किया गया, फरमाया, मिनहा खलकनाकुम, इसी मट्टी से पैदा किए गए, वफीहा नुईदुकुम, इसी के अंदर लौटाए जा रहे हैं, और फिर वमीनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और कल कयामत में इसी मिट्टी से हमको दोबारा उठाया जाए। वफीहा नुईदुकुम वमीनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, यही लौटाए गए, यही से वापसी होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल कयामत में हमें इससे उठाए। हज्जाज इब्ने यूसुफ को गुस्सा आया, कायम को शहीद कर दो, शहीद कर दिए गए। इतना जिस्म से खून निकला कि तमाम हुकमा वहां जो बैठे थे हकीम सबको ताज्जुब हुआ, और कुछ खुद बादशाह वक्त को ताज्जुब हुआ, पूछा, इतना खून कैसे निकल रहा है? कहीं इनके दिल पे मौत का रत्ती बराबर डर नहीं था, और जो मौत से मोहब्बत करता है दुनिया का हर डर उसके दिल से निकल जाता है। जो फिर खौफ खुदा को दिल के अंदर पैदा कर लेता है दुनिया का हर खौफ उससे निकल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, एक अजीब सी बात है, अबू हाजिम एक बहुत बड़े ताबई हैं, सलमान बादशाह थे अपने जमाने के, मदीने मुनव्वरा गए और मदीने मुनव्वरा में सारे लोगों को बुलाया, अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। बादशाह ने लोगों से पूछा कि यहाँ सहाबा कराम का तरबियत याफ्ता कोई फर्द बाकी है? कहाँ एक बाकी है, कौन है? अबू हाजिम को बुला लाओ। उनको बुलवाया, और जब वो आए बादशाह सलामत के सामने,
तो बादशाह सलामत ने कहा ये क्या बेवफाई है, क्या क्या जफा है कि तुम मुझसे मिलने नहीं आए। ये है ईमानी ताकत और कौवत, जाहो जलाल के साथ बादशाह तख्त नशीन है। जब उसने बेवफा और जफा कर बात कही तो हजरत हाजिम ने फरमाया बादशाह सलामत मैं आपको अल्लाह की सुपुर्दगी में देता हूँ इस बात से कि आप बगैर तहकीक के कोई इल्जाम किसी के ऊपर लगाए। कौन सी बेवफाई देखी है, कौन सी मेरी जफा देखी है। बादशाह ने कहा सारे लोग मिलने आए, तुम मुझसे मिलने नहीं आए। कहा बादशाह सलामत मुलाकात तो उनसे होती है जिनकी जान पहचान होती है। आज से पहले आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपसे वाकिफ नहीं था, मुलाकात की क्या गुंजाइश है। बादशाह ने बैठे हुए लोगों को देखा, सब ने कहा अबू हाजिम सही फरमा रहे हैं। बादशाह ने सवालात बदल लिए और एक जुमला पूछा, एक सवाल मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ मौत के वास्ते से। बादशाह ने पूछा अबू हाजिम ये बताइए कि हमें मौत से डर क्यों लगता है, ये कौन है जो मुमलिकत पर बैठा है, ये कौन है जो सल्तनत का मालिक है, ये कौन है जो मुल्क का मालिक है, ये कौन है जिसके पास खजाने हैं। वो कहता है अबू हाजिम से ये बताओ मुझे मौत का डर क्यों लगता है। अबू हाजिम का तारीखी जुमला आपके हवाले करता हूं, फरमाया अमीरुल मोमिनीन बात यह है कि आबादी से वीराने की तरफ जाते हुए तकलीफ होती है, आपने अपनी दुनिया को आबाद किया है, आखिरत को आबाद नहीं किया। अगर आखिरत को आबाद कर लेते तो इस दुनियाए फानी से आखिरत का सफर करना हमारे लिए आसान हो जाता। दोस्तों बुजुर्गों, मौत का अगर यकीन हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार के अंदर है और ये दिल के अंदर हमारे पैदा हो जाए जज्बा, तो दुनिया की कोई ताकत हमारे सर को इंशाल्लाह झुका नहीं सकती। दूसरी चीज अर्ज कर दूं बहुत मुख्तसर मुख्तसर, आपके यहाँ भी माशाल्लाह कुछ उलमा इकराम बाद में भी तशरीफ लाने वाले हैं, उसके बाद जो है आपके नातिया मुशायरा है, बड़े बड़े शायर इस्लाम हज़रत स्टेज पे तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला इनकी जुबानों से, अल्लाह ताला इनके कलाम से हमारे दिल के अंदर फख्र मौजूदात कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत को पैदा फरमा। अगर दोस्तों रसूलुल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में नहीं है, अल्लामा इकबाल ने एक मर्तबा फरमाया था अगर नौजवान नस्ल के दिल के अंदर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत को पैदा करना चाहते हो तो एक चीज का इनको आदी बना दो, वो पहली चीज ये है कि इनको और अपनी औलादों को अपनी नस्लों को दुरूद शरीफ का ऐसा विर्द देकर जाओ कि इनकी जुबानों पर हर वक्त हर आन اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم का नारा 24 घंटे रहे। जब ये दुरूद का नारा इनके दिलों पर और इनके जुबानों पर होगा, इनके दिलों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत का जज्बा उभर जाएगा। तो कहिए एक मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत की अलामत ये है कि आप हर आन हर लम्हा फख्र मौजूदा जो कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह के एहसानों को याद करें। और फिर देखें मर्तबे मोहम्मद क्या है कि जब अल्लाह ने कुरान में कहा इन्ना अल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल लदीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मेरे नबी पर दुरूद भेजते हैं, ए मेरे बंदो तुम भी अल्लाह के उस नबी को पर दुरूद भेजो। तो हमें और आपको ये करना है कि अपनी जुबानों को दुरूद के तराने से सजाना है इंशाअल्लाह। पहला काम ये करना, दूसरा काम मेरे दोस्तों बुजुर्गो वो काम ये करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इस तरीके से हो जैसे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अज्मईन कर गए। छोटा सा वाकया है, हज़रत हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब है। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरा जी चाहता है तुम्हारा मकान मेरे मकान के करीब हो जाए। हज़रत फातिमा ने कहा हज़रत हारिसा का मकान है, उनसे आप इरशाद फरमा दें वो आके आप मकान बदल लें, मेरा मकान आके करीब हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया पहले भी उनसे मकान बदला जा चुका है, अब बार बार कहते हुए शर्म आती है। हज़रत हारिसा को किसी ने ये बात पहुँचाई, दौड़े हुए रसूलुल्लाह की खिदमत में आए, कहा या रसूलुल्लाह मैंने ये सुना है कि आप अपनी लाडली अपने नूर नज़र अपनी लख्त जिगर सैयदना फातिमा के लिए अपना मकान करीब से करीब तक चाहते हैं,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मैं हाँ चाहता हूँ। क्या या रसूलल्लाह, मेरा ये मकान है जो बिल्कुल आपके करीब है, आप इस मकान को ले लीजिए। मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ, मेरा वो मकान जो आपके इस्तेमाल में आ जाए उससे कहीं ज्यादा बेहतर है जिस मकान को मैं इस्तेमाल करूँ, इसलिए कि मेरी जान, मेरी जात, मेरा माल, मेरी मथा, मेरी माल, मेरी दौलत, मेरी तमाम तर चीजें आपके ऊपर कुर्बान हो जाए मोहब्बत में, ये कहीं ज्यादा बेहतर है कि मैं इस्तेमाल करूँ। अल्लाह के रसूल ने मकान को तब्दील किया, रहमतों और बरकतों की दुआएं दी। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मोहब्बत तुम्हारे दिल में थी? फरमाए इतनी मोहब्बत थी कि अगर सख्त गर्मी का आलम हो, प्यास बहुत तेज लगी हो, हलक के ऊपर, हलक के अंदर बाकायदा कांटे गर्मी की वजह से उगने लगे हो, और ठंडा पानी उस वक्त जितना महबूब होता है उससे कहीं ज्यादा महबूब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। और तीसरी चीज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कीजिए। मैं बहुत अदब के साथ अपने प्यारे नौजवान बच्चों से और भाइयों से, एक और बल्कि बूढ़ों से भी दरख्वास्त करता हूँ, मोबाइल का नशा छोड़ दें, सीरत पाक के नशे को चढ़ा लें, सीरत पाक का मुताला शुरू करें, अल्लाह के लाड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा को देखें। अल्लाह की कसम, जिस दिन अल्लाह के लाड रसूल की अदाओं को मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर इख्तियार करना शुरू कर देंगे, दुनिया की नफरतें मोहब्बतों में बदलने लगेंगी। एक गैर मुस्लिम ईमान लाया, किसी ने पूछा कि तुम ईमान क्यों लाए? उसने कहा मैंने सीरत मुकद्दसा का एक वाकया, सीरत मुकद्दसा के एक वाकये ने मेरी जिंदगी को कुफ्र से निकाल कर हिदायत के ऊपर डाल दिया, शिर्क से निकाल कर मुत्तसिब बाई ईमान कर दिया। का क्या वाकया था? अल्लाह के लाड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोग बैठे हुए थे, जानिसार सहाबा थे, एक साहब आए और कहने या रसूल अल्लाह मेरा बेटा खो गया है, मेरा बेटा गुम हो गया है, मैं उसकी तलाश में निकला हुआ हूँ, मेरा बेटा मुझको नहीं मिल रहा है। वहीं पे एक दूसरे साथ बैठे थे, कहने या रसूलुल्लाह इनका बेटा मैंने देखा है, अभी करीब के बाग में देख कर आया हूँ, इनका बेटा दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था, जैसे ही बाप ने अपने खोए हुए बेटे की इत्तिला को पाया, बाप बेचैन होकर दौड़ा कि जाके अपने बेटे को पकड़ कर ले आऊं और जाके इसकी माँ के पास पहुंचा दूं। वो माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहा है अपनी औलाद की फिक्र के अंदर। बाप दौड़ने लगा, अल्लाह के रसूल ने बुलाया वापस आओ, एक मिनट मेरी बात को सुनो। क्या रसूलल्लाह इरशाद फरमाए कि तुम्हारे दिल के अंदर तुम्हारी औलाद की मोहब्बत बहुत है और इस वक्त तुम्हारे जज्बात भी बहुत हैं, तुम वहां पहुंचोगे, वहां बहुत से बच्चे होंगे, वहां जाकर अपने बेटे को उसके नाम से बुलाना, बेटा 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 कह के ना बुलाना। क्या या रसूलल्लाह वो मेरा बेटा है, अगर मैं बेटा कह के बुलाऊंगा तो क्या दिक्कत है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो सकता है कि उन खेलते हुए बच्चों में कोई यतीम बच्चा हो जिसके बाप का साया सर से उठ गया हो, अगर तुम बेटा बेटा कहकर बुलाओगे, तुम्हारी आंखों से आंसू होंगे, जज्बात उमड़ रहे होंगे, अगर बेटा कहकर बुलाया, हो सकता है किसी यतीम बच्चे के सर से उसके बाप का साया जुदा हो चुका हो, वो सोचेगा काश मेरा बाप होता, काश मेरे अब्बा मौजूद होते, काश मेरे वालिद मौजूद होते, तो आज इसी प्यार से मोहब्बत से मुझको बेटा कहके बुलाते, तो उसके दिल को ठेस और तकलीफ पहुंचेगी। तो बेटा कहके न बुलाना, अपना बाप अपने बच्चे के नाम लेकर उसको बुलाना, ये मोहब्बत किसने सिखाई? ये रसूलुल्लाह ने सिखाई कि इस वाकये ने मेरी जिंदगी को कुफ्र से हिदायत की तरफ लाकर डाल दिया, इस वाकये ने मेरी जिंदगी के अंदर से अंधेरे को दूर करके नूर को पैदा कर दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, सीरत को अपनी जिंदगी का नस्बुलैन बना लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात को पढ़ें, देखें कैसे कैसे हालात आए अल्लाह के रसूल पर, और बजाय दुश्मनों के लिए बद्दुआ करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत भरे हाथों को उठाया। जंगे उहद का वाकया मेरे और आपके सबके सामने होगा, सब जानते हैं कैसी कैसी तकलीफें पहुंची हैं नामदार को, कैसी कैसी तकलीफें पहुंची हैं ताजदार हरम को, कैसी कैसी तकलीफ पहुंची है मोहम्मद रसूलुल्लाह को, कैसी कैसी शदीद तकलीफें पहुंची हैं किसको? फख्र मौजूदा तो कायनात सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
साहब आए या रसूलल्लाह आपकी गुद्दी मुबारक पर चोट लग गई, या रसूलल्लाह आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, या रसूलल्लाह 70 साहबा शहीद कर लिए गए, या रसूलल्लाह आपके ऊपर बड़ा जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा गया है, अल्लाह के रसूल इनके लिए बद्दुआ फरमा दीजिए, ये हलाक हो जाए, ये दुश्मन खत्म हो जाए। अल्लाह के रसूल ने हाथों को उठाया, मैं कह रहा हूँ साहबा तो इंसान थे, दिल की कलियां खिल गई होंगी, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह हाथ उठा के बद्दुआ करेंगे, इनके ऊपर अजाब नाजिल हो जाएगा अल्लाह का, ये सब अभी खत्म हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह ये मुझको पहचानते नहीं है, मेरी पहचान अता कर, या अल्लाह इनके साथ रहम का मामला कर दे, इनके साथ करम का मामला कर दे, इनके साथ आफियत का मामला कर दे, इनको दीन की समझ अता कर दे, इनको समझा दे अल्लाह, तो अपनी जात के यकीन इनको सिखा दे, और सिखा दे अपनी सिफात का यकीन इनको सिखा दे। आप सोचें वो दौर था बद्दुआ का, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं दी। फतेह मक्का का वक्त है, एक नौजवान साहबी जिन्होंने अपनी आंखों से जुल्म सितम के पहाड़ मिल्लत इस्लामिया को टूटते हुए देखे थे, फतेह मक्का के वक्त अलम भी उनके हाथ में था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, और जाते हुए जैसे ही मक्का के करीब पहुंचे हैं एक जुमला निकला, अल यौम यौमुल मलहमा। वो नौजवान साहबी जज्बात से भरे हुए थे, उन्हें दुश्मनों के जुल्म सितम को देखा था, उन्होंने देखा था कैसी कैसी लाशें बिछा दी गई, कैसे बिलाल को जख्मी किया गया, कैसे कैसे सहाबा को जदोकोब किया गया, एक जुबान से जज्बात में जुमला निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो खून का बदला खून से लिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन डांटा और कहा, नहीं आज खून का बदला खून से नहीं लिया जाएगा, अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमत का दिन है, आज अबू सुफियान के घर में जो ठहर जाए वो भी अमान पा जाए, जो काबतुल्लाह के अंदर चला जाए वो भी अमान पा जाए, जिसने अपने घर के दरवाजों को बंद कर लिया वो भी अमान पा जाए। ये दोस्तों पैगाम इसलिए नहीं है कि मैं तकरीर करके चला जाऊं और आप तकरीर सुन के चले जाएं, ये पैगाम है आज के मौजूदा हालात में कि मेरे और आपके हाथ बारगाह इलाही के अंदर उठे, कि अल्लाह उनके दिलों के अंदर भी नूर हिदायत को डाल दीजिए, जो आज कुफ्र शिर्क की ताकत और कुव्वत को लेकर अल्लाह के दीन के मुकाबले में आना चाहते हैं, अल्लाह ना समझे इनको समझ अता कर दीजिए। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। मैंने एक सूरत एक आयत तिलावत की थी, या अय्युल्लज़ीन आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअ अस्सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह के डर को इख्तियार करो, मौत का डर ना लाओ, अल्लाह का खौफ लाओ, जब अल्लाह का खौफ दिल के अंदर होगा गुनाहों से महफूज होंगे, बुराइयों से बचेंगे, तकलीफों से अपने आप के ऊपर सब्र करेंगे, मुश्किलें आएंगी, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, किसी पर कोई मुसीबत उस वक्त तक नहीं आती जब तक अल्लाह का इज़्न ना हो जाए, अल्लाह की इजाज़त ना हो जाए, ये दौर भी खत्म होगा, ज़ुल्म व सितम के हर दौर मिट गए हैं, अल्लाह जब चाहेगा लोगों के दिलों की नफरतों को मोहब्बत में तब्दील कर देगा। मेरी और आपकी कोशिश हो कि अंधेरों में अंधेरों को कोसने से काम नहीं चलता, अंधेरे में अंधेरे को दूर करने के लिए चिराग जलाने की जरूरत है, मोहब्बत के चिराग को जलाओ, इस्लाम की रोशनी को आम करो नौजवानों, इस्लाम की तालीमात को आम करो, अपने अखलाक से अपने किरदार से अपने मामला से अपने माशरे से अपने बोल से अपनी जुबान से अपने हर लहजे से ये बता दो कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना हूँ। तकलीफ पहुंचाने वालों को मोहब्बत का पैगाम दो, दुख पहुंचाने वालों के जख्मों को दूर कर दो, दुनिया के अंदर नफरतों को मिटाने के लिए, नफरतों को नफरतों से नहीं मिटाया जाता, आग को आग से नहीं बुझाया जाता, आग को पानी से बुझाया जाता है, हम लोगों के लिए पानी और ठंडा पानी बनकर आए, मोहब्बत का पैगाम दें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सारे माहौल दुरुस्त हो जाएंगे, हमारे जो दिलों के अंदर लोगों के नफरतें भरी हैं वो मोहब्बत में तब्दील हो जाएंगी। फिर फरमाया वकूनू मअ अस्सादिकीन, और इस चीज़ को सीखने के लिए सच्चों के साथ बैठना सीखो, सच्चों के साथ बैठना सीखो, झूठों के साथ बैठेंगे तो झूठ जिंदगी के अंदर आएगा, नापाकारों के साथ बैठेंगे तो नापाकी जिंदगी में आएगी, अल्लाह के वलियों के साथ बैठेंगे तो अल्लाह का यकीन उसकी ज़ात और सिफात का यकीन पैदा होगा। इरादा करें इंशाअल्लाह कि अल्लाह की ज़ात के यकीन को पैदा करने के लिए अल्लाह वालों की महफिलों को इंशाअल्लाह अख्तियार करेंगे। और एक चीज़ और अर्ज़ कर दूँ दोस्तों नौजवानों, दुनिया का एक उसूल है, वो उसूल यह है जो भी
मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको इज्जत अता फरमाता है। अगर आपको दुनिया में अपना मकाम पैदा करना है तो मैं अमेरिका में एक काले रंग की एक औरत जो है फॉरेन सेक्रेटरी हुई, वजीरे खारजा जिसे कहते हैं, उस ओहदे पर पहुंची तो उससे किसी ने पूछा ऐसे 15-20 साल पहले उससे किसी ने पूछा कि तुम्हें सफेद फॉर्म लोगों के बीचों में यानी अंग्रेजों के गोरों के बीच में तुमको फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी का ओहदा कैसे दे दिया गया। तो उसने अंग्रेजी में एक जुमला कहा था कि यू हैव टू प्रूव 10 times बेटर देन अदर्स देन यू विल गेट व्हाट यू डिजायर। आपको दूसरों के मुकाबले में 10 मरतबा अच्छा होना पड़ेगा तब दुनिया आपकी इज्जत एहतराम करना शुरू कर दे। अगर आपने अपने आप को साबित कर दिया कि यू आर द बेस्ट नन कैन कंपेयर यू, आप सबसे अच्छे हैं और दुनिया में कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता, तो नफरत वाले सर आंखों में बैठा लेंगे। ये बल्ब हमारे और आपके सरों पर जल रहे हैं, इनकी रोशनी इनके बाहरी जिस्म से नहीं आ रही है बल्कि इसके अंदर जलने वाला फिलामेंट और वो छोटा सा तार है जो रोशनी दे रहा है ये सर आंखों पर है। अगर ये तार टूट जाए तो दोस्तों जिस्म मौजूद होगा इस सारे बल्ब को और सारी हैलोजन्स को उठाकर जमीन पर मार दिया जाएगा। अगर ये अपना काम छोड़ देंगी, मुझे और आपको अपना काम करना है और बिना ये सोचे कि मेरे काम से किसको और किसको और किसको फायदा हो रहा है, मेरा काम है काम करना, मेरा काम है नूर हक को पहुंचाना, मेरा काम है हिदायत के नूर को फैलाना, इंशाल्लाह मैं धुन के साथ अगर अपने काम में लग गया अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले इंशाल्लाह आपके साथ होंगे। अल्लाह मुझको आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक आखिरी लहजे की एक आखिरी बात, एक आखिरी लम्हे की बात यह है दोस्तों, हौसले कभी मत छोड़ना। छोटी सी चिड़िया आसमान की तरफ जब उड़ती है उसके छोटा सा बच्चा परों को जमीन पर फड़फड़ाता है, फिर उसकी माँ उसको सिखा देती है, आहिस्ता आहिस्ता वो परवाज ऊपर करता है। ख्वाब अच्छे देखो, ऊंचाइयों पर पहुंचने के सपने देखो, ऊंचाइयों पर पहुंचने के ख्वाब देखो और ये सोचो कि अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया में इंसाफ के निजाम को कायम करने के लिए भेजा, तुम्हें लोगों के हुकूक को अदा करने भेजा है, गुमराही को मिटाने के लिए भेजा है, हक और हिदायत को कायम करने के लिए भेजा है। इसलिए दोस्तों याद रखो, वक्त फुर्सत कहाँ अभी काम बाकी है, वक्त फुर्सत कहाँ अभी काम बाकी है, नूर हक का इत्माम अभी बाकी है। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।